सो गाइस मेरे पास TCL के 55 इंच के एक मेरे ख्याल से एक 40 से 50 टीवी आए हैं, सब में डिस्प्ले डालने का है। बट प्रॉब्लम ये है कि सब डबल LBD मदरबोर्ड है, बाकी इसका जो पैनल रहता है मार्केट में मिलता नहीं है इजीली। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल LBD में, और सारे के सारे मदरबोर्ड को सिंगल कन्वर्ट करने के बाद ये नॉर्मल पैनल जो मार्केट में आता है ये पैनल डालेंगे, फिर वापस ऑन करेंगे इसको और चेक करेंगे। बट इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी ट्राई किया, इसमें एक दो मदरबोर्ड भी ख़राब हुए। बट फाइनली हम लोग को क्या इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या है वो सब मालूम पड़ गया है। ये हम नॉर्मल LBD जो मिलता है मार्केट में फुल HD का, इसको हम लोग फोन 4K में कन्वर्ट करेंगे। 4K में कन्वर्ट मीन्स वायरिंग करेंगे, इसका जो वायर रहता है ना, वायरिंग 4K का जो रहता है पेयर, वो उसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद सारे के सारे यूज करेंगे, ए 4K करेंगे, 2K से 4K वायरिंग करने के बाद फिर उसको हम लोग 2K में कन्वर्ट करेंगे, 4K में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, नॉर्मल जो LBD मार्केट में मिलता है IG, उसको लेंगे और इसको सब वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के बाद सब करेंगे। अभी हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आ गया कि अभी इसको हम लोग नॉर्मल 2K का जो LBD आता है उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रिप रहता है ना, नॉर्मली जो ख़राब रहते हैं उसमें से कनेक्टर निकालेंगे, कनेक्टर के ऊपर का पॉइंट रहता है उसको ओपन करेंगे, और उसके अगर लग गया इजीली तो ठीक है, नहीं तो ऊपर का जो एक पट्टी रहता है ब्लैक कलर का, पट्टी को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद फिर वो LBD अपना डाल के डायरेक्ट इजीली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा कनेक्टर है, सपोज ये कनेक्टर है, इसके ऊपर एक क्लिप रहता है, क्लिप अगर बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर क्लिप को निकालने के बाद फिर डायरेक्ट हमारे जो LBD का रहता है पट्टी रहता है उसको डालेंगे तो इजी जाके बैठ जाता है। बैठ के फिर वापस जो टिकोन लगाने का है आप उसमें जाके कनेक्ट कर सकते। एक कंडीशन में अगर इजीली बैठ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं बैठता है तो ऊपर का क्लिप है आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के अगर डालेंगे तो भी चल जाता है, बैठ जाता है, परफेक्टली बैठ जाता है। तो ये ऊपर का जो क्लिप है ना, इसमें एक कंडीशन में बैठ नहीं रहे तो ऊपर का क्लिप है ना वो तोड़ दूंगा मैं, तोड़ने के बाद उसको बिठाऊंगा, बैठ जाएगा। अभी देखो इजीली इसमें बैठ जा रहा है, इसको थोड़ा सा अप डाउन करके ऊपर से ले करना पड़ेगा, बट ये बैठ गया। बैठने के बाद अभी हम लोग डायरेक्ट उसको टिकन में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमारा जो मदरबोर्ड रहेगा उसमें वायरिंग करके फिटिंग कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं इसको। तो आपके पास कभी भी ऐसा LBD सपोज रहेगा और आपको अगर कनेक्टर ऐसा LG का जो कनेक्टर आता है इसमें अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो इजी ऐसा कर सकते हैं आप, फिर वो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर ये कंडीशन में आपके पास ऐसा अगर पिन रहता है, अभी आपको नॉर्मल सैमसंग या सोनी में करना है तो कनेक्टर निकाल देंगे तो नॉर्मली सोनी या सैमसंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऐसा कंडीशन में। अभी एक काम करेंगे, इसका मदरबोर्ड का जो वायरिंग रहता है LBD का परफेक्टली कर लेंगे पेयरिंग भाई, बट इसमें हम लोग को माइनस और प्लस का काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा टिकन बोर्ड 4K का आता है उसमें लास्ट से जो स्टार्ट होता है -7 से होता है, तो हम लोग वायरिंग जो करेंगे -7 से लेके करेंगे, -7 +7 -6 +6 ऐसा कर करके सी आगे जाएंगे। बाकी जो लास्ट का इधर प्लस बी के साइड में आता है वो बाकी जो लास्ट में आएगा उसका प्लस भी होता है, माइनस होता है, फिर आके प्लस 12 बोल्ट होता है, ऐसा कर करके वायरिंग कर लेंगे। वायरिंग करने के बाद परफेक्टली सब करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक पैनल लेंगे, पैनल के अंदर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके फिर चेक करेंगे। ये आपको आगे बताया था मैं कैसा कनेक्ट करने का, क्या करने का, ये है उसका LBD का पिन और इसका LBD वायर। सो गाइस आगे देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम लोग को फुल फाइनली बताया हुआ है कि डबल LBD जो आता है TCL का उसके अंदर सिंगल कैसा कनेक्ट करते हैं, वायरिंग कैसा करते हैं और यूज़ कैसा करते हैं, ये सब बताया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर सब कुछ पार्टीशन भी आ जाता है तो कैसा वो सॉल्व करते हैं। पार्टीशन मीन्स अगर डिस्प्ले नया डालते हैं उसमें दो पार्ट में आता है तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम ओके कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर करने के बाद भी ओके करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग TV में इंस्टॉल करेंगे।
इंस्टॉल करने के बाद चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तभी हमने कनेक्ट कर लिया है, इसका जो भी LVDS कनेक्ट करने का है, मदरबोर्ड का वायरिंग का है, टीकॉन बोर्ड का LVDS कनेक्शन है, सब कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद अभी इसको टीवी को ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे। बट जब हम लोगों ने ऑन किया ना, ऑन करने के बाद पार्टीशन आ रहा था। पार्टीशन आने का रीज़न इसका सॉफ्टवेयर ना अलग था इसका। तभी ये मेमोरी आईसी इसको निकालेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे इसको सिंगल पार्टीशन में। तो इसको सिंगल पार्टीशन में अगर करेंगे तो सिंगल मीन्स नॉर्मल पिक्चर रहेगा, डबल पार्टीशन में रहेगा दो पार्ट में दिखेगा। जो नॉर्मली आपको टीवी अभी ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें दो पार्ट में पिक्चर आ रहा है, दो पार्ट में आ रहा है। फिर सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर करने के बाद फिर वापस इसको हम लोग ओके करेंगे। अभी देखिए टीवी ऑन किया, ऑन करने के बाद दो पार्ट में आ रहा है, इसमें दो TCL लिख के आ रहा है, दो लोगो भी आ रहा है इसका, जो नो सिग्नल का आता है लोगो वो दो आ रहा है। तभी इसको हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आगे दिखाते हैं। देखिए एक लोगो इधर आ रहा है और एक लोगो इधर आ रहा है, दो दो लोगो आ रहा है इसमें नो सिग्नल का। तभी इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ओके करेंगे। इसका जो मेमोरी आईसी रहता है टीकॉन बोर्ड का, उसको निकालेंगे RT809F से सॉफ्टवेयर करेंगे इसको। बट आईसी निकालने के बाद इसको IPS अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी क्या है इसका लेग्स है ना कनेक्ट नहीं होते, तो सॉफ्टवेयर एरर आता है। तो इन कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद RT809 से सॉफ्टवेयर करेंगे सिंगल पार्टीशन का। सिंगल पार्टीशन करने के बाद फिर वो डायरेक्ट टीकॉन बोर्ड में इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद ऑन करेंगे। तभी देखो हमने कर लिया है, करने के बाद ऑन किया, ऑन करने पे परफेक्ट अभी डिस्प्ले आ रहा है सिंगल पार्ट में, और हमारा टीवी भी परफेक्ट ओके हो गया। तो ऐसा कर करके हम लोग जितने भी सारे टीवी हमारे पास 30 से 40 पीस, वो सबको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद कस्टमर के यहाँ डिलीवर करेंगे। अभी परफेक्ट ओके आ गया इसमें TCL, अभी पिक्चर भी कनेक्ट करेंगे तो परफेक्ट ओके और कनेक्ट हो जाएगा इसको परफेक्टली। हम लोग जिसके जो जंपर वंपर वायर है इधर उधर बिखरा हुआ है, इसको टेप मारेंगे। टेप मारने के बाद फिर परफेक्टली पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद फिर टेस्टिंग में डालेंगे टीवी को। तो इस भी का आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं।